हाय, स्टॉक मार्केट ने पिछले 2 साल में रिटेल पार्टिसिपेशन का रिकॉर्ड राइज देखा है। मार्च 2020 के मुकाबले अप्रैल 2022 में टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स 3 गुना बढ़कर 9.28 करोड़ तक पहुंच गए हैं। बढ़ता हुआ रिटेल पार्टिसिपेशन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर जनता का बढ़ता हुआ विश्वास है। हालांकि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती स्टॉक टिप्स, बिजनेस चैनल पर किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन और या फिर अपने ब्रोकर के कहने पर लेते हैं। और फिर कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट जागन से ही डर लगता है और इसलिए वो स्टॉक मार्केट से दूर ही रहते हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में हिस्सा नहीं ले पाते। लेकिन अभी ग्रो के होते हुए आपको स्टॉक टिप वाले व्हाट्सएप ग्रुप की और इन्वेस्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटीज से घबराने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, ग्रो आपको एजुकेट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है और अगर आप रांची में हैं तो आप हमारी टीम से मिल सकते हैं अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट में। हम इस संडे यानी कि 24 जुलाई को 6 बजे आ रहे हैं रांची। बाकी डिटेल्स जानने के लिए और रजिस्टर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। कॉन्फिडेंटली और समझ कर इन्वेस्ट करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर को एक थरो स्टॉक एनालिसिस और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये वीडियो जहां आप घर बैठे ग्रो ऐप के जरिए एक स्टॉक एनालिस्ट की तरह सोच सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप ऑलरेडी ही ग्रो के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं तो आपको लॉगिन करने पर ये स्क्रीन दिखाई देगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, होम स्क्रीन पर मार्केट में हो रही हलचल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन टिकर्स के फॉर्म में सेट की गई है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर ही सर्च बार देख सकते हैं जहाँ आप अपने मनपसंद कंपनी को खोज कर उसका ठीक से एनालिसिस करने के बाद उस कंपनी में इन्वेस्ट करने या ना करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए अब एक स्टॉक का एग्जाम्पल लेके हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि ग्रो ऐप की मदद से आप कैसे किसी भी कंपनी को सिर्फ 5 मिनट में एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस वीडियो में लिए गए एग्जाम्पल सिर्फ एजुकेशनल और डेमोंस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल लेके शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप देखते हैं, लुक एट द हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइस मूवमेंट। जब आप ग्रो ऐप पर किसी भी कंपनी को सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले एक स्टॉक प्राइस चार्ट दिखाई देगा। इस चार्ट के थ्रू आप उस कंपनी के डेली स्टॉक प्राइस मूवमेंट से लेके हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। हम सब ने अब तक ये कई बार सुन लिया होगा, पास्ट परफॉर्मेंस से आप फ्यूचर रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये बात सच तो है, पर किसी भी इन्वेस्टर के लिए हिस्टोरिकल स्टॉक परफॉर्मेंस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का एक आउटलुक बताती है। आप न्यूज एंड इवेंट्स टैब के जरिए कंपनी में चल रही डेवलपमेंट्स को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। ये सेक्शंस आपको स्टॉक प्राइस में हो रहे मूवमेंट के कारण का अंदाजा देने में मदद करता है। एक्सपर्ट रेटिंग, जब आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं एनालिस्ट का इस शेयर के बारे में क्या ओपिनियन है। इससे आपको एक ब्रॉड आइडिया आ सकता है कि करंट सिचुएशन में रिसर्च एनालिस्ट किसी कंपनी के लिए क्या सजेस्ट कर रहे हैं, बाय, होल्ड या सेल। की फाइनेंशियल रेशियोज, किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले हम उसके प्राइस को तो ज़रूर देखते हैं और अगर हमें लगता है कि ये उतने प्राइस में वर्थ नहीं है तो हम उसे खरीदना नहीं चाहते। ठीक उसी तरह हमें किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करने से पहले उसके वैल्यूएशन को देखना ज़रूरी है। स्टॉक प्राइसेस की मूवमेंट आइडियली कंपनी के अर्निंग से ही इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, रेगुलेशंस जैसे कई और फैक्टर्स भी हैं जो स्टॉक प्राइसेस को इरेशनल तरीके से ऊपर नीचे लेकर जाते हैं। इसलिए हम स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए कुछ की फंडामेंटल और फाइनेंशियल मेट्रिक्स को एनालाइज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स विजिबल हैं। मार्केट कैप, सबसे पहले फंडामेंटल्स वाले सेक्शन में आप कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में जान सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप आपको कंपनी की टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स की मार्केट वैल्यू बताता है और शॉर्ट में ये मार्केट में कंपनी के ग्रोथ के ऊपर मार्केट का परसेप्शन रिफ्लेक्ट करता है। जनरली मार्केट कैप हमें ये बताता है कि कंपनी अभी अपने बिजनेस के डिवेलपमेंट में कौन से स्टेज पर है, साथ ही में वो इन्वेस्टर को कंपनी के साइज के बारे में भी एक अंडरस्टैंडिंग देता है। अर्निंग्स पर शेयर, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ईपीएस यानी के अर्निंग्स पर शेयर।
इस रेशियो से हमें ये जानने को मिल सकता है कि एक कंपनी कोई पर्टिकुलर पीरियड में एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। जनरली अगर आपको किसी भी कंपनी का EPS बढ़ता हुआ नज़र आता है तो वो उसके ग्रोथ का एक अच्छा मेट्रिक होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों रेशियोज के बगल में TTM लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है ट्रेलिंग 12 months। TTM के यूज से आप किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स में कैसा रहा है वो एनालाइज कर सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो या PE रेशियो, उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी का PE रेशियो और इंडस्ट्री का PE रेशियो दिया है। एक स्टॉक की वैल्यूएशन का आइडिया लगाने के लिए PE रेशियो वाइडली यूज किया जाता है। अगर एक कंपनी का PE रेशियो उसकी इंडस्ट्री PE से ज़्यादा है तो उसे नॉर्मली ओवर वैल्यूड स्टॉक माना जा सकता है। हालांकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, ये पता लगाने के लिए सिर्फ PE रेशियो इनफ नहीं है। एक कंपनी का PE रेशियो उसके पीयर्स या इंडस्ट्री से कम या ज़्यादा क्यों होता है? वेल, उसके पीछे कई सारी वजह हो सकती हैं, जैसे कि मार्केट में कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ का परसेप्शन। साथ ही में आप कंपनी का डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं। कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है रिलेटिव टू इट्स मार्केट प्राइस, उसे डिविडेंड यील्ड कहते हैं। जितना डिविडेंड यील्ड ज्यादा, उतना ही आपको ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है कंपेयर टू इट्स मार्केट वैल्यू। डेट टू इक्विटी रेशियो, राइट साइड में आपको एक और रेशियो देखने को मिल रहा है जिसका नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो हमें बताता है कि एक कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल के कंपेरिजन में कितना डेट रेस किया है। वैसे कंपनी अपनी रीपेइंग कैपेसिटी के हिसाब से ही डेट रेस कर सकती है, बट एज एन इन्वेस्टर आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है कहीं उसका मेजॉरिटी पार्ट डेट और उसके इंटरेस्ट पेमेंट में तो नहीं यूज हो रहा। ये रेशियो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक अच्छा इंडिकेटर है। वैसे तो एक से कम का डेट टू इक्विटी रेशियो प्रेफरेबल माना जाता है, लेकिन ये रेशियो कंपनी किस टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व है उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, एक NBFC या बैंक के केस में आप सेम पर्सपेक्टिव से एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि उनका मेन बिजनेस ही लेंडिंग का होता है। इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो जो कि है ROE। ROE का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि शेयर होल्डर्स के शेयर्स या फिर इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। ROE की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट उतना ज़्यादा एफिशिएंट है अपने शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टेड कैपिटल को यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट करने में। प्राइस टू बुक रेशियो या PB रेशियो, लास्ट रेशियो जो रहता है फंडामेंटल सेक्शन में वो है PB रेशियो। इसको समझने से पहले समझते हैं बुक वैल्यू क्या होती है। अगर कोई कंपनी अपने सारे एसेट्स को बेच दे और अपनी सारी लायबिलिटीज़ को रीपे कर दे तो लास्ट में रहने वाली वैल्यू उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं, और जब इसको हम टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करते हैं तो उसे बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाता है हमें। प्राइस टू बुक रेशियो निकालने के लिए हम कंपनी के मार्केट प्राइस को उसके बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करते हैं। PB रेशियो से हमें कंपनी के मार्केट प्राइस उसके बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कितनी है ये पता चलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यूएशन मेट्रिक है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। ट्रेडिशनली एक से नीचे का PB रेशियो कंपनी के अंडर वैल्यूड होने का इंडिकेटर है, पर कुछ वैल्यू इन्वेस्टर्स लेस देन 3 को भी बेंचमार्क मानते हैं। बैंक्स और NBFCs को वैल्यू करने के लिए ज़्यादातर एनालिस्ट PB रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। रिव्यूइंग फाइनेंशियल्स ग्रोथ, शेयर मार्केट एनालिसिस अपने आप में ही एक नंबर्स गेम है। स्टॉक एनालिसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना। ग्रो ऐप पर आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ को दिखाया गया है। आप कंपनी के पिछले 5 quarters और 5 साल का डेटा स्क्रीन पर बार चार्ट के फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हैं। इन डेटा विजुअलाइजेशंस के थ्रू आप कंपनी के परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और डी ग्रोथ ऑफ द टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यूज एंड बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट्स। पर अगर आपको अभी भी डेप्थ में जाकर कंपनी का परफॉर्मेंस एनालाइज करना है तो आप सी मोर बटन को सिलेक्ट करके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर आपको कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में एक ऑब्जेक्टिव आइडिया आ सकता है। ये स्टेटमेंट्स आपको कंपनी के सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन्स, कैश फ्लो और फर्दर स्कोप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन अर्निंग्स जैसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ आपको मेन इंपॉर्टेंस रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ के ट्रेंड पे देनी है। अगर वहाँ कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही है तो ये एक अच्छा साइन है, लेकिन अगर किसी क्वार्टर या साल में कंपनी के रेवेन्यू या प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल डिप या स्पाइक है तो आपको डिटेल में जाके इसका रीजन पता लगाना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न, नेक्स्ट आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न।
एक तरीके से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी में कौन कितने शेयर्स होल्ड कर रहा है। स्ट्रांग प्रमोटर होल्डिंग का मतलब ये भी है कि जो लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स और ऑपरेशंस को सबसे अच्छे से जानते हैं वो लोग कंपनी के फ्यूचर को लेके कॉन्फिडेंट हैं। ये प्रमोटर्स के स्किन इन द गेम होने का इंडिकेटर है। और तो और ये मैनेजमेंट के लिए एक इंसेंटिव बन जाता है कि वो कंसिस्टेंटली शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करें। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यानी कि FIIs या फिर म्यूचुअल फंड्स के इंक्रीजिंग स्टेक को भी एक अच्छा इंडिकेटर कहा जा सकता है। अज्यूमेबली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन डेप्थ रिसर्च के बाद ही सब्सटैंशियल अमाउंट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, नेक्स्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स के टॉप इन्वेस्टमेंट में ये कंपनी इंक्लूडेड है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी म्यूचुअल फंड्स का एक कंपनी में स्टेक होना या फिर स्टेक को इंक्रीज करना एक अच्छा इंडिकेटर कंसिडर किया जा सकता है। बट एक इन्वेस्टर को ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ इसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन ना लें। पीयर एनालिसिस, अगर आपके इंटरेस्ट की कंपनी का परफॉर्मेंस हम उसके कंपेटिटर्स या सेम सेक्टर की दूसरी कंपनीज के साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो हमें उसके रिलेटिव वैल्यूएशंस के बारे में कुछ की इंसाइट्स जानने को मिलती हैं। सिमिलर स्टॉक सेक्शन के अंडर आप उस कंपनी के पीयर्स की करंट मार्केट प्राइस, पी रेशियो, पीबी रेशियो के आधार पर कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, कुछ ही मिनट्स में आप एक कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि इस क्विक एनालिसिस से आप सिर्फ कंपनी को फिल्टर आउट कर सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सिर्फ इतने एनालिसिस के बेसिस पर डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कंपनी के बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। कंपनी के मैनेजमेंट का विजन, उसका मिशन समझना भी ज़रूरी है। ग्रो ऐप के थ्रू आप किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस और बिजनेस प्रोफाइल के बारे में एक क्विक समरी पा सकते हैं। लेकिन जब आप फुल कॉन्फिडेंट हैं और आपने एनुअल रिपोर्ट्स और इन्वेस्टर कॉन कॉल्स के मीडियम से अपना थीसिस कंफर्म कर लिया है तो ग्रो ऐप के जरिए आप आसानी से उस कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं सिर्फ बाय बटन दबा के। वी होप कि इस वीडियो के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी थोड़ी और सिंप्लीफाइड हो जाएगी। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्या आपको पता है हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.